हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष, मेरे यूट्यूब चैनल आशीष नॉलेज वाला में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। एक नॉलेज, आपको आपके कामों में पुट्टी का इस्तेमाल ज़रूर होता है, और पुट्टी इस्तेमाल करने से पहले आप कई बार सोचते हैं कि कौन सी पुट्टी लगाएं, कैसी पुट्टी लगाएं जिससे काम हमारा आसान हो, और आपको कोई सुझाव नहीं मिलता, कोई नॉलेज नहीं मिलती कि कहाँ से नॉलेज लें और कैसा इस्तेमाल करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे दो पुट्टी के बारे में नॉलेज है, और पुट्टी भी अलग अलग तरह की क्वालिटी का है। आज उसी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। आई फटाफट जाने कि आपके इस्तेमाल में कौन सी पुट्टी आती है और आप उसे कैसे इस्तेमाल करें। तो पहला है नैरोलैक कंपनी का ही नैरोलैक बॉडी फिलर पुट्टी, ये नाइफिंग पेस्ट फिलर पुट्टी भी बोलते हैं इसको। ये आपको आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 7 किलो, 20 किलो और 35 किलो की कंपनी पैकिंग बनाती है। इस तरह से ये लाइट ग्रीन कलर का डिब्बा आता है, टीने के डिब्बे में आता है। इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो ग्रे कलर का होता है। इसका वीडियो मैंने पहले बना चुका है, मगर आपको दो तरह की पुट्टी के बारे में इसलिए नॉलेज देनी थी, इसलिए मैंने इसका एक और वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी है नैरोलैक कंपनी का बॉडी फिलर पुट्टी बोलते हैं इसको, ये एक्री इजेड के नाम से आता है। ये 1 kg की पैकिंग आती है। ये भी लाइट ग्रीन कलर का डिब्बा बनाती है कंपनी, टीने के डिब्बे में होता है। ये लाइट वेट बॉडी फिलर पुट्टी होती है, जिसके अंदर ये 30 ग्राम का हार्डनर आता है और ये 970 ग्राम का इसके अंदर मटेरियल होता है। इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो वाइट कलर का होता है। यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा लगा हुआ है, ये वाइट कलर का होता है। इसको आप अपने वर्किंग काम में यूज़ कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ ये यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। इसका यूज़ आप अपने हर जनरल पर्पस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो तरह की नैरोलैक की पुट्टी है। तो नैरोलैक की पुट्टी, ये दोनों सॉल्वेंट टिंटेबल है, ऑयल बेस है, ये पानी वाला कोई पुट्टी नहीं है। इसमें आप जब भी काम करेंगे तो ये ऑयल बेस सेंट आता है, महक आती है। इसमें कंपैरिजन मैं बता दूं, ये जो नाइफिंग पेस्ट पिलर पुट्टी है, ये आप मेटल पे और वुड पे दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये जो इनकी आती है लाइट वेट बॉडी फिलर पुट्टी, ये ओनली फॉर मेटल सरफेस पे यूज़ करना होता है। मेटल सरफेस मतलब जहाँ पे भी लोहे के काम होते हैं वहाँ पे इस पुट्टी का इस्तेमाल करना है। इस पुट्टी में आपको रेडी टू यूज़ मिलता है। ये जो नाइफिंग पेस्ट पिलर पुट्टी है, ये आपका रेडीमेड है। इसको डायरेक्ट ढक्कन खोलना है और रेडी टू इस्तेमाल कर लेना है, चाहे लकड़ी पे हो चाहे मेटल सरफेस पे होता है। वही आपके जो बॉडी फिलर पुट्टी है, ये बॉडी फिलर पुट्टी, इसके अंदर आपको जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो 3% ये आपको ये हार्डनर मिलाना होता है। ये हार्डनर इस तरह का आता है, ये इसके अंदर जो भी मटेरियल है ये हार्डनर है। ये 30 ग्राम का होता है और ये 970 ग्राम का होता है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें से कोई भी मटेरियल, जैसे आपने 100 ग्राम मटेरियल इसमें से निकाला तो उसमें ये 3 ग्राम मिक्स करना होता है। 3 ग्राम मिक्स नहीं करेंगे तो आपका वो मटेरियल हार्ड नहीं होगा और सूखेगा नहीं। तो ओनली फॉर ये मेटल सरफेस पे यूज़ होने वाला पुट्टी होता है, जो आपके चाहे लोहे के डेंट लगे हों, लोहे पे डेंट लगा हो, या लोहा किसी भी तरह के ज्वाइंट में अगर चिपका हुआ है तो उसके गैप को फिल करने के लिए होता है। इसकी जो MRP होती है वो 552 रुपये की होती है, जो मार्केट में आपको 300 से 350 रुपये के रेट में मिलता है। वही अपना जो पुट्टी फिलर होता है, इसकी MRP 1 kg की 212 रुपये की होती है, जो मार्केट में आपको 190 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। नैरोलैक की ये दोनों पुट्टियों में सूखने की क्षमता कितनी होती है, तो ये पुट्टी फिलर आपका लगभग 8 से 12 घंटा लगता है सूखने में, ड्राई होने में, हार्ड होने में। वही बॉडी फिलर पुट्टी, ये आपको जब भी कहीं पे भी काम करना हो, जब भी हार्डनर आपने मिला दिया हो, तो इसको 10 से 15 मिनट में इस्तेमाल कर लीजिए
उसके बाद ये 2 से 3 घंटे में ये हार्ड हो जाता है, या तो इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे तो और बढ़िया से ये हार्डनेस हो जाती है। तो मतलब दोनों का सूखने का क्षमता नाइफिंग फेट फिलर पुट्टी का ज़्यादा है और ये थोड़ा सा जल्दी ड्राई हो जाता है बॉडी फिलर पुट्टी का। सभी पेंटर भाई को एक नॉलेज देनी है कि बॉडी फिलर आप अपने ऑटो डिवीज़न में काम तो लेते ही हैं, इसको आप फर्नीचर वर्क में, किसी और भी इंडस्ट्रियल वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यूज़फुल होता है और जल्दी काम भी होता है। नाइफिंग पेस्ट फिलर पुट्टी अधिकतर फर्नीचर वर्क में, पेंटिंग वर्क में यूज़ होता है, तो दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे है। तो आप दोनों को अपने काम अनुसार, चाहे डेकोरेटिव वाले प्रोडक्ट हो, चाहे ऑटो डिवीज़न से प्रोडक्ट हो, दोनों को आप अपने हर डिवीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जब भी आप प्रोडक्ट अपना इस्तेमाल करें तो सरफेस को पहले अच्छे से पेपर से घिसाई कर लें, उस पर प्राइमर करवा दें, फिर उसके बाद इस पुट्टी का यूज़ करें। ये ओनली फॉर डेंट, जहाँ पे आपकी गाड़ियों पे डेंट आ जाता है, जहाँ आपके लोहे पे गैप होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे आप इन दोनों का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। एक तो रेडी टू यूज़ होता है, एक मटेरियल को आपको हार्डनर डाल करके मिक्स करके तब अप्लाई करना होता है, तब ये मटेरियल हार्ड होता है। दोनों का एक डेमो दिखाता हूँ मैं कि दोनों के अंदर कलर कैसे कैसे आते हैं। पहले पुट्टी खोलता हूँ, पुट्टी फिलर ये किस कलर का होता है। इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि ये इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो ग्रे कलर का होता है, ये देख सकते हैं, इसके अंदर जो मटेरियल है वो ग्रे कलर का है और बना हुआ होता है। एक बात मैं बता दूँ, इसके अंदर जब भी आप काम कर लें, करने के बाद जब भी मटेरियल अगर बच जाए तो इसके ऊपर से पानी डाल सकते हैं। पानी डाल करके फिर ईज़िली ढक्कन लगा करके बंद कर दें। उसके बाद जब आपको आगे नेक्स्ट दूसरा काम में अगर इसको लेना है, फिर वो पानी पूरा गिरा करके आप अपने वर्किंग काम में दोबारा इसको ले सकते हैं। तो एक दिखाना था आपको, ये ग्रे कलर का है। अब मैं बॉडी फिलर का खोल के दिखा देता हूँ कि वो किस कलर का होता है। ये भी मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं इसके अंदर कैसा मटेरियल होता है। ये वाइट कलर का इसके अंदर मटेरियल होता है, ये वाइट कलर का इसके अंदर बेस आता है। इसी बेस में आपको ये हार्डनर मिक्स करना होता है, फिर जाकर कि ये मटेरियल हार्ड होता है। ये हार्डनर का बहुत बड़ा रोल है, इस हार्डनर को जब तक इसमें मिक्स नहीं करेंगे ये मटेरियल हार्ड नहीं होगा। तो आपको दिखा दिया मैंने कि दो तरह का प्रोडक्ट है, एक नाइफिंग पेस्ट फिलर पुट्टी और एक बॉडी फिलर पुट्टी। दोनों में क्वालिटी का फ़र्क है। ये रेडी टू यूज़ है, इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, इसके अंदर आपको हार्डनर मिक्स करके तब इसका इस्तेमाल किसी मेटल पे यूज़ कर सकते हैं। ये मेटल और वुड दोनों पे इस्तेमाल होता है, ये ओनली फॉर मेटल पे इस्तेमाल होता है। तो एक नॉलेज देनी थी आपको, कैसे लगी नॉलेज बताइएगा, और हमारे चैनल को देखते रहें, वॉच करते रहें, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।